गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी ने रोड शो निकाला। रोड शो में आरएसएस सुप्रीमो सुदेश मातो, बीजेपी नेता रागिनी सिंह और समेत एनडीए के दिग्गज नेता मौजूद रहे। रोड शो के दौरान एनडीए के नेताओं ने गिरिडीह की जनता से सीपी चौधरी के पक्ष में वोट देने की अपील की है। रोड शो का जायजा लिया हमारे संवाददाता राकेश ने। ये रोड शो और रोड शो में निकला यह जन सैलाब अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। हमारे साथ देखिए सीपी चौधरी भी हैं, इस बार प्रत्याशी भी हैं और आसू प्रमुख सुदेश महतो, इसके अलावा भी आसू के कई बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं। तो हम जरा सीपी चौधरी जी से जुड़ते हैं। चौधरी जी, ये जन सैलाब जो आपके साथ चल रहा है, ये क्या कह रहा है सीपी जी? देखिए कतरासगढ़ में यह रोड शो है और इस रोड शो में आप देख रहे हैं हजारों हजार की संख्या में महिलाएं, पुरुष, नौजवान, भाजपा आजू के सभी लोग आज सड़क पर हैं और इससे आप साफ पता कर सकते हैं कि लोगों का रुझान और नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास जो है आज उसी का जनसैलाब है। और निश्चित तौर पर जो 25 तारीख को चुनाव होगा और इस चुनाव में भारी से भारी संख्या में, पिछले बार से 2.5 लाख से जीते थे, इस बार हम लोग 5 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। सीधी लड़ाई किससे है चंद्रप्रकाश चौधरी जी के यहाँ? देखिए पहला में हमारे साथ किसी की कोई लड़ाई नहीं, दूसरे जगह के लिए लोग कोई लड़ रहे होंगे, ऐसे 16 कैंडिडेट है लेकिन हमारे साथ किसी की लड़ाई नहीं। चलिए, बेहद कॉन्फिडेंट है चंद्रप्रकाश चौधरी जी। सुदेश महतो जी भी हैं। सुदेश जी, आसू प्रमुख हमारे साथ। सुदेश जी, ये जो जन सैलाब चल रहा है आप लोगों के साथ, ये वोट में आपको लग रहा है कि ये पूरा जनसैलाब तब्दील हो जाएगा? देखो हम लोगों ने पहले ही बताया कि पूरे राज्य के 14 के 14 सीट हमारे एनडीए के भारत के उस नारे के साथ, उस लक्ष्य के साथ कि 400 सीट पर पूरे भारत में विजय प्राप्त करना है, उसी का ये कड़ी है कि राज्य के अंदर में हमें 14 के 14 सीट विजय प्राप्त करना है। आप चंद्रप्रकाश चौधरी 5 साल यहाँ सांसद रहे, कितना डिलीवर कर पाए गिरिडीह को, और आपको लग रहा है कि कोरोना की वजह से कुछ कमी रह गई? नहीं, ऐसा नहीं, ये यहाँ पर इंडिविजुअली परफॉर्म करने की बात नहीं है, ये राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय त्यौहार है और राष्ट्रीय त्यौहार में यहाँ के एक एक मतदाता का एक मत से, इनके माध्यम से, सांसद के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री का चयन होता है और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्णय हुए हैं उसी का प्रभाव एक एक वोटों पर पड़ता है। और आज जो निर्णय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को लेकर, भारत के अंतरिम शक्ति को और विश्व स्तर पर भारत की मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने का जो काम किया है, भारत की तरक्की के मानक को जैसे स्थापित किया आज के दिन में, वो आज के दिन में कई वर्षों के बाद इस तरह से इतनी लोकप्रियता और प्रतिबद्धता के साथ, गारंटी योजना के साथ मोदी साहब आए हैं और उसी का नेतृत्व इस गिरिडीह में आदरणीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी कर रहे हैं। मोदी जी की गारंटी गिरिडीह में चलने जा रही है, ये पूरे देश में, अगर इंडिविजुअल आज के दिन में वर्षों बाद अगर आप किसी इंडिविजुअल नेता के ऊपर अगर आप वोट करेंगे, अगर भारत में ऐसी व्यवस्था रहती तो मुझे लगता है कि 70% से ज्यादा लोग एक पक्ष में और मोदी साहब के पक्ष में होते हैं। शुक्रिया। देखिए कुछ और लोग हैं। उमादा, आप भी पसीना बहा रहे, थोड़ा आगे आ जाइए। कैसी आबो हवा गिरिडीह में चल रही है उमादा? ये रोड शो का जनसैलाब बता रहा है कि आबो हवा गिरिडीह का क्या है। लोगों में काफी उत्साह है और पिछले चुनाव में जो मत हमारा आया था उससे काफी मत के अंतर से हम लोग चुनाव जीतेंगे और ये गिरिडीह के जो मतदाता हैं सभी मतदाताओं में उत्साह है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरा बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। रागिनी जी भी है, रागिनी जी का पूरा समर्थन है चंद्रप्रकाश चौधरी जी को? बिल्कुल पूरा समर्थन है, हमेशा से था, हम लोग आगे भी रखेंगे। और जिस तरह से लोगों के अंदर रुझान दिख रहा है, आप देख रहे हैं किस तरह से हजारों की संख्या में लोग जन सैलाब उभरा हुआ है, तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी में एक केला, 13 के 13 कमल फूल और उसमें एक केला झारखंड के जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के झोली में डालने का काम करेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन देवाशीष के साथ राकेश कुमार, न्यूज 11 गिरिडीह। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।